तुम्हारी वाली कॉफी बनाना सीखा। ऐसे ही मिलने आती रहा करो। आई मिस यू। फिर आ गया मेरा मोमेंट स्पॉइल करने। वो क्या है ना सर, अगर आप छाता नहीं लेंगे तो आपकी माताजी बुरा मान जाएंगी। और अगर आप बुरा मान गए तो सर आप बीमार पड़ जाएंगे। डीडी, मेरे पास उसका भी सलूशन है। अपना लिए ना उसके कैफे की अदरक वाली चाय। वो नूडल्स वाले भैया? एग्जैक्टली। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। क्या सर? यार ये मुंबई की बारिश ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ यार, बिल्कुल अवनी के जैसे, कभी भी कुछ भी करती थी यार वो। राइस विद चिकपी, चिकपी। अच्छा बता क्या खाएगा? एक सेकंड, हमारे सर ना तो चिक खाते हैं और ना ही पीस। और एक सेकंड, मैं पी का मतलब अभी बताता हूँ। ये पी का मतलब है पी। छी, ये कैसी कैसी हाइट में रखते हैं आप नूडल भैया। अरे पगले, फ्लैटन राइस विद चिकपी मतलब पोहा और बेसन के लड्डू, गोल वाले, याद है? ओ, कर लो बात। तो फिर पोहा और बेसन का लड्डू लिखो ना मेन्यू में। ये सब चीजें क्या लिख रहे हो? क्यों अपने नूडल बालों की तरह चीजों को उलझा उलझा कर लिखते हो? हैं? क्या जरूरत है उसकी? हाँ? बात ऐसी है डीडी जी। हाँ जी। कि ये देसी डिश का अंग्रेजी में नाम देख के ना कस्टमर्स पे इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा था? और इससे पहले मैं तेरे फेस का कार्टून बना के अली की वॉल पे लगाऊं, निकल यहां। नहीं नहीं नील सर, जा। आ बेटा। वैसे अली, पोहा और बेसन के लड्डू वेयर्ड कॉम्बो नहीं लगता यार? बेसन का लड्डू मेरा फेवरेट, और ऑफ कोर्स पोहा अपनी का, राइट? राइट, एग्जैक्टली। आई नो, अवनी को पोहा पसंद है, अवनी को ये पसंद है, अवनी को वो पसंद है, अवनी अवनी अवनी। यार तू मुझे अवनी से मिलवा कब रहा है ये तो बता पहले, मैं तो मिल लूं। 15 साल से उसका वेट कर रहा हूँ यार, 15 साल। क्या 15 साल? यू सीरियस? यार तू तो बातें ऐसी करते है जैसे कि हर रोज उससे मिलता है। यार मिलता नहीं हूं तो क्या हुआ, महसूस तो करता हूँ। अच्छा क्या हुआ आजकल? मेरे दिल में, अली के दिल में। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी गेट दिस वेरी राइट, ओके? तू एक लड़की का वेट कर रहा है जिसे तू 15 साल से जानता है लेकिन अभी तक उससे मिला नहीं। गुड, फोन पे बात, वेरी गुड। फिर भी तू उसका वेट कर रहा है? ब्रिलियंट बॉस, ब्रिलियंट। पागल है क्या? आर यू क्रेजी? बात करता है यार। कुछ भी बोलता है। जिसके इंतजार में गुजार दिए अली ने 15 साल, जिसका चेहरा देखे बिना जान लेता है उसके दिल का हाल, जो बना देती है मेरे हर रेनी डे को सनी। लाइफ टाइम इंतजार करेगा तुम्हारा ये अली अवनी। वाह, क्या खूब फरमाया है, वाह।
यार एक बात बता। जस्ट इन केस मान ले कि अवनी तुझे मिल जाती है, क्या गारंटी क्या है कि तू उसे पहचान लेगा? दिल का जीपीएस कभी गलत नहीं होता दोस्त। और एक मेरे केस का जीपीएस जो हमेशा रॉन्ग होता है। यू नो ये केस 123 महज एक केस नहीं, मेरे लिए ना एक पनौती बन चुका है। रुक जा। चिकपी बॉल्स, लगता है खबर आ गई। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। वैसे एक बात कहूंगी, बोलना। मुझ में और तुझ में एक चीज कॉमन है, पूछ। क्या क्या? अवनी के लिए तेरा जुनून और मेरा केस 123 के लिए ऑब्सेशन। केस 123 को तो मैं सर करते हैं। आगे सर, केस नंबर 123 की खबर मिली है, चलिए। रुको, पैसे पुलिस वाले को मारूंगा तो अच्छा लगेगा। चल निकल यहां से, चल। बेस्ट ऑफ लक, आई होप तुझे तेरी मंजिल मिल जाए। सी यू टू ब्रो। तुम सिर्फ मेरी मंजिल नहीं, मेरी जिंदगी हो। ये शरारत भरी आंखें, कब आओगी तुम अपनी? आयरन के साथ बरात भी लेके आ जाता, एक अनाउंसमेंट कर देता कि पुलिस आ गई है, चोर भाग जा। ओ, 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 सारन बंद कर, सारन बंद कर। सर, सर इस बार ये खबर एकदम पक्की है सर, केस नंबर 123 इस हॉस्पिटल के आसपास छुपा है। वो सर आज तो उसने कमाल कर दी, उसने सर एक किसी बैंक के लॉकर पे पहले अपना हाथ साफ किया, उसके बाद सर एक इलेक्शन रैली में जहाँ पर काला धन लगा था वो भी लूट लिया सर। सर वैसे इस चोर की दाद देनी पड़ेगी, पहली बार किसी कॉमन मैन ने किसी पॉलिटिशियन को लूटा होगा सर। सॉरी सर। डोनेशन बॉक्स तो फुल है। लॉक टूटा हुआ है, मतलब केस 123 यहीं कहीं। डीडी ढूंढो सर, आप उधर जाइए क्विक। हरी चल रहा है, जरा संभल के जाइए।